हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज लाया हूं। हम आज ये फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो कर रहे हैं। इसके पहले बच्चों, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे तीन पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी कवर इन द लास्ट थ्री videos. In the last video, we also covered how to find even power of iota, odd power of iota, higher power of iota, negative power of iota. All these types of sums we covered in the last video. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने last three videos नहीं देखे होंगे तो आप description box में जाइए, वहां पे link डाला है, आप उस link को click करके आप last three videos देख सकते हैं। आज के lecture में बच्चों, हम लोग find the value of x and y, we satisfy some equation. This type of problems we are going to solve. So everyone, be ready with your writing material. Find the value of x and y. We satisfy the following equations: x plus 2y plus 2x minus 3y. टाइम्स आई प्लस फोर आई इक्वल टू फाइव। बच्चों, जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया होगा तो हम जानते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं, LHS इक्वल टू RHS के फॉर्म में होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। हमें इस टाइप के सम में हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी ए प्लस बी आई के फॉर्म में लाना होता है और हमें राइट हैंड साइड को भी ए प्लस बी आई के फॉर्म में लाना होता है। ओके बच्चों, सो व्हाट वी विल डू, एक्स प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y टाइम्स i इज, हम लोग ये 4i को ये साइड ले लेंगे तो वी गेट 5 माइनस 4i। आप देख सकते हो हमारा राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया और लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, बीच में किसका साइन है, इक्वल टू, तो वी विल राइट बाय equality of complex number। बच्चों, जब भी अगर मैं बोलूं कि a plus bi is equal to c plus di, इसका मतलब real part equal to real part, that is a equal to c, and imaginary part equal to imaginary part, that is bi equal to di, or i cut, we get b equal to d. So whenever we say a plus bi equal to c plus di, it means that a equal to c and b equal to d. Keep in mind, now we are going to apply this concept here. तो यहाँ पे real part कौन है, real part का मतलब जिसमें i नहीं है, तो देखो इसमें i नहीं है, यहाँ पे right side में किसमें i नहीं है, 5 में, so we get x plus 2y equal to 5, and now imaginary part ध्यान से देखो, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आय है, किसमें आय है, 2x माइनस 3y टाइम्स i इज इक्वल टू माइनस 4i। यहाँ पे देखो i किसमें है, माइनस 4i। कीप इन माइंड, यहाँ सिली मिस्टेक होता है, आपको साइन के साथ लेना है, माइनस 4i। नाउ सॉल्व दिस, वी गेट x प्लस 2y इक्वल टू 5, एंड ये i i गेट कैंसल, we get 2x minus 3y equal to minus 4. Now we are going to solve both the equations simultaneously. Give, this is equation number 1 and this is equation number 2. Now what is the first equation? X plus 2y equal to 5. And what is the second equation? 2x minus 3y is equal to minus 4. Now what we will do bachcho? Ye hamara equation 1 hai aur ye equation 2 hai. What we will do, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 2 का। सो व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी, वी गेट, मल्टीप्लाई करिए इसमें 2 का, 2x 2 2 जा 4y इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। आपने स्कूल में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ये माइनस है तो प्लस, लेट अस सिंप्लीफाई, सो वी गेट 2x 2x गेट कैंसल, नाउ 4y + 3y दैट इज 7y इज इक्वल टू 14, सो वी गेट y इक्वल टू 14/7, y इक्वल टू 2. तो बच्चों हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2. लेट अस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. तो व्हाट इज इक्वेशन 1, x + 2y इक्वल टू 5. तो x + 2y इक्वल टू 5, x + 2 × 2 इक्वल टू 5, x + 4 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 4, x इक्वल टू 1. तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली इन दिस क्वेश्चन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2. नाउ बच्चों आई विल गिव यू वन शॉर्टकट कि हाउ यू नो दैट कि आपका ये आंसर राइट है कि रॉन्ग. तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा ये राइट है कि रॉन्ग. सी हियर. तो बच्चों इसी तरह मैं वीडियो के बीच बीच में आपको एक ट्रिक सिखाते जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा लेक्चर ध्यान से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझेगा कि सर ने क्या ट्रिक दिया है. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट कि आपका आंसर राइट आ गया कि रॉन्ग आ गया. सी हियर. नाउ ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों. आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू क्या आई, 1 आई. तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पे 1 डाल दो तो क्या मिलेगा, बोलो 1 प्लस व्हाट इज y, y इज 2, तो 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 1 = 2 माइनस 3 × 2 = 6 i प्लस 4 i. आप लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे तो 4 + 1 = 5 प्लस 2 - 6 माइनस 4 i प्लस 4 i, 4 i गेट कैंसल, आपको मिल गया 5. तो आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया. ये बच्चों आपका ट्रिक है, आप एग्जाम में x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप अपने आंसर को खुद चेक करके आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मेरा आंसर राइट है एंड यू विल स्कोर 3 marks. बच्चों ये सम के ऊपर 3 marks है, यू विल गेट 1 mark फॉर दिस स्टेप. आपको 1 mark यहाँ पे मिलेगा, 1 mark आपको बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन पे मिलेगा, दैट इज x की वैल्यू पे, और 1 mark आपको y की वैल्यू पे मिलेगा. होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई. चलो बच्चों फॉर मोर प्रैक्टिस वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. व्हाट वी विल डू, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस i प्लस y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस i अपॉन 1 प्लस i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस i इक्वल टू i. ओके बच्चों लेट अस सिंप्लीफाई, ओपन द ब्रैकेट. मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको वीडियो पार्ट 2 में सिखाया है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो आप वीडियो पार्ट 2 देखें. x into 1 x x into minus i minus xi 1 into 1 1 1 into minus i minus i प्लस सिमिलरली y का मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई इसमें करिए, यू विल गेट y प्लस y i माइनस i प्लस, ये देखिए ये i का मल्टीप्लाई करना है आपको, सॉरी बच्चों ये y माइनस 1 है, दिस इज y माइनस 1 सो यस y का मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 y इंटू i y माइनस 1 का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू i अपॉन. ओके बच्चों अपॉन, चलिए क्या आएगा फटाफट बताइए, a प्लस बी ए माइनस बी. वी यूज a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला. व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है? जिसमें आई नहीं है वो टर्म एक साथ ले लो, इसमें आई नहीं है, आई नहीं है, आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है। बच्चों ये चारों टर्म एक साथ आएंगे, आप देख सकते हैं ये प्लस वन कैंसल विथ माइनस वन, तो क्या आएगा ब्रैकेट में बोलो, एक्स प्लस वाई। चलो अब बच्चों वो टर्म साथ में लेना है जिसमें आई है, तो कौन कौन सा टर्म आएगा चेक, ध्यान से देखो, ये इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें आई है, तो चलो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में बोलो, माइनस एक्स आई माइनस आई प्लस वाई आई माइनस आई, ओके बच्चों, अपॉन वन का स्क्वायर वन माइनस आई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू आई। नाउ वी गेट एक्स प्लस वाई। चलो बच्चों अब क्या करो, इसमें से आई कॉमन ले लो, क्या ले लो, आई कॉमन प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन आई कॉमन अपॉन माइनस माइनस प्लस वी यू गेट टू इक्वल टू आई। ओके बच्चों अभी ये टू को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, टू को कहां ले लेंगे, वी टेक दिस टू टू द राइट हैंड साइड, तो वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स व्हाट इज माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे बच्चों आई है, इज इक्वल टू टू आई। ओके बच्चों नाउ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू, कैन आई राइट टू आई को बच्चों जीरो प्लस टू आई, क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने प्रीवियस समय बताया जब भी इक्वल टू हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और आपका राइट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। सो नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी गेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू टू। ओके बच्चों तो यहां पे आप सॉल्व करोगे वी गेट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो वी गेट फोर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ वी सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, एक्स एक्स गेट कैंसल, वी गेट टू वाई इक्वल टू फोर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, देयरफॉर y is equal to 4 upon 2, y is equal to 2. Now, substitute value of y either in equation 1 or in equation number 2. ठीक है बच्चों? So, चलो put करेंगे y की value. तो equation 1 में डाल दो. X plus y equal to 0. X plus 2 equal to 0. तो we get x is equal to minus 2. So finally we get x ki value minus 2 or y ki value 2. You can use the same technique and check your answer. For example, aapko check karna to aap check kar sakte hai. Kya hai boliye? X plus 1 upon 1 plus i, y minus 1 upon 1 minus i. Yehi hai na aapka question. To x ki value kya hai? X ki value hai minus 2 aur y ki value hai 2. Chalo yahan put karke dekho. x के जगह पे माइनस टू डालो, क्या आएगा, माइनस टू प्लस वन वन प्लस आई, y के जगह पे क्या डालोगे, टू टू माइनस वन वन माइनस आई, तो यू गेट माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस आई, टू में से वन गया वन अपॉन वन माइनस आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, यू विल गेट माइनस वन टाइम्स वन माइनस आई 1 टाइम 1 प्लस i अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो फाइनली आपको मिलेगा बच्चों माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 प्लस i प्लस 1
प्लस आई बाय आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस वन और ये माइनस, प्लस अपॉन टू हो जाएगा, वन वन गेट कैंसल, टू आई अपॉन टू, टू टू कैंसल, यू विल गेट आई। देख सकते हैं इसका राइट हैंड साइड क्या है, आई। तो बच्चों ये है आपका ट्रिक, इस ट्रिक के मदद से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ओके बच्चों, सो ये मैंने आपको एक सॉलिड ट्रिक सिखाया जिसके मदद से आप इस सम को खत्म कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जैसे आपको ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन दिस एक्सप्रेशन इफ एक्स इक्वल टू दिस, वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।